उत्तराखंड की यमुना घाटी में हालात सामान्य हुए तो राजधानी देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां तो नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। नाराज हिंदू संगठनों ने विकास नगर बाजार को बंद करवाया। हालात ये हो गए कि जब दोनों पक्षों के लोग अचानक आमने सामने आ गए तो पुलिस फोर्स के भी हाथ पांव फूल गए। आखिरकार पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। पूरे मामले में डीआईजी एसएसपी ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर एनएसए लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने हिंदू संगठनों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की है। कल शाम को एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग का प्रकरण था, उसी प्रकरण को लेकर के दोनों हिंदू समुदाय से थे। वो उसी बात को संभवतः एक मोहल्ले में के बगल में वो कुछ उठना बैठना कुछ रहा होगा, उसी पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, भाई यहाँ पर इस तरह के परिवार के लोग रह रहे हैं, और उसी बात को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई होगी, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है कल रात को फिर आपस में मारपीट एक घटनाएँ हुई हैं। उन दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और कल रात को दोनों पक्षों से बात करके मामला हो गया था, और अभी भी सुबह जो है कुछ लोग जो हैं वो बाज़ार बंद के लिए निकले थे। उन्होंने बाज़ार बंद के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, जिसको कुछ लोगों ने स्वेच्छा से बंद करी वो ठीक है, जिसने कुछ लोगों ने बंद नहीं करी तो उसमें उनका कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं था। अभी वर्तमान में बिल्कुल स्थिति सामान्य है, हम लोग अलर्ट हैं, लेकिन मेरे सभी समुदाय के लोगों से और प्रतिनिधियों से निवेदन है कि कृपा करके जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष को कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के व्यवस्था खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर कोई अपराध हुआ है, हमने सभी पक्षों से कहा है कि आप पुलिस का अवगत कराइए, और उसमें बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, हम लोग कर रहे हैं। दरअसल देहरादून विकास नगर क्षेत्र में दो नाबालिगों से छेड़छाड़ का मामला बुधवार रात को सामने आया था। आरोप है कि नाबालिगों से समुदाय विशेष के युवकों द्वारा छेड़छाड़ की गई। इससे नाराज लोगों ने आरोपी युवक के घर में घुसकर उससे मारपीट की। उस दौरान तो पुलिस ने किसी तरह मामले को सुलझा कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया था, लेकिन गुरुवार सुबह मामले ने फिर तूल पकड़ लिया। मैं अपनी ड्यूटी से घर के लिए आ रहा था, और मेरी पत्नी माइके से आ रही थी, हॉस्पिटल जाना था उसको। तो रास्ते में जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि आप मेरी स्कूटी में तेल डलवा के ले आइए मरुका वाला से, और तब तक मैं यहाँ रुकी हुई हूँ क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना था। तो जैसे ही वो रुकी हुई थी, लगभग 7:30 बजे का समय था, बाग में काम करने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने मेरी पत्नी पर असली फक्तियाँ कसी। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी ने विरोध किया तो वो अंधेरा का फायदा उठाकर बाघ की तरफ भाग गए। उसके बाद मैं तुरंत पहुंचा, जब उसके से 5 मिनट बाद तो तब वो भाग चुके थे, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ कि पुलिस द्वारा उनको पकड़ा गया है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो उनके ऊपर। हालांकि सिर्फ मंगलवार को ही महिला से छेड़छाड़ की घटना से इतना बवाल नहीं हुआ। वजह यह है कि बीते कुछ दिनों में लगातार 3 घटनाएं एक के बाद एक छेड़छाड़ की सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते ही स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और मामला इतना बढ़ गया कि इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए। देखिए, देवभूमि की पवित्रता को जो लोग चाहते हैं, ऐसे जो भी सभी हिंदूवादी संगठन है, सभी उपस्थित मातृशक्ति की सबसे ज्यादा इसमें भूमिका रही, जिन्होंने कई विषयों पर अपने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इंगित कराया कि वर्तमान की परिस्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि अगर थोड़े समय तक आपने गंभीरता के साथ
कार्य नहीं किया तो इस प्रदेश को हम लोग खो देंगे। जिस प्रकार का वातावरण कल मुसलमानों के द्वारा विकास नगर का किया गया, यह अत्यंत डरावने वाला है। रोड लाठी डंडों के साथ वो लैस, वो थाने के अंदर इस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। वो हिंदू समाज को दबाने और कुचलने के लिए निकले हैं, और कब निकले हैं, जबकि वो हमारी बहन बेटियों को बेला फुसला कर उठा कर ले आ रहे हैं। लगातार वहाँ 3 वारदात हो चुकी है, डकरानी में होगी, विकास नगर में होगी, जीवनगढ़ के क्षेत्र में हो चुकी है, और लगातार उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं क्योंकि कानूनी व्यवस्थाएँ बिल्कुल लचर हैं और दबी हुई है, और किसी प्रकार का प्रभाव पुलिस के द्वारा उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही, और आज परिस्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन भी लामबंद है। आज जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहना था, वो उनका कहना था कि आप लोग जो भी कार्य हैं पुलिस को बताएं, लेकिन हम कब तक बताएंगे, कब तक बताएंगे, जब तक कि पुलिस का काम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। वहीं लगातार महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए गुरुवार को हिंदू संगठनों ने एकजुट होते हुए महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए विकास नगर बाजार बंद करने का आह्वान किया था, जिसका असर विकास नगर बाजार में भी आया। कल रात की घटना को देखते हुए हमने बाजार बंद कराया, और हम इसको बाजार में लोग आए थे उन्होंने बाजार बंद करवाया, तो हम इसका समर्थन भी करते हैं, क्योंकि जो गलत है उसे गलत ठहराया जाए, जो सही है चाहे वो किसी धर्म का उसे सही ठहराया जाए। तो इस चीज़ को देखते हमने अपना बाजार बंद कराया, अपनी दुकानें बंद रखी हैं, और इस चीज़ का समर्थन भी करते हैं। कितने बजे दुकान भी बंद करी आपने? हमने लगभग 11:15 बजे जाते ही बाजार में लोग आए थे, तो उसके बाद हमने अपना बाजार बंद करना शुरू कर दिया था, अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद हमने बंद रखा है, और जब तक देखिए जैसे ही कार्यवाही चल रही है तब तक हम बंद रखेंगे अपना। तो स्थिति पिछले कई दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। रोज़ की रोज़ एक ही बात है कि लड़कियाँ छेड़ी जा रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, किस प्रेगनेंस से हो रहा है, क्या विचारधारा है इन लोगों की, क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको शहर का माहौल कैसा है? अब देखो, अगर इस तरह चलता रहा तो शहर का माहौल तो बिगड़ेगा ही। और इसको खैर हमारी पुलिस स्थिति में लेके आ रही है, बहुत जल्दी कब्जे में ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब ये किसी की नादानगी की वजह से ये सारा शहर झेलेगा, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी बस। वहीं इस मामले में पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, और स्थिति सामान्य बनी रहे इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही दूनवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।